लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भैया क्या ये सच है? क्या सच है? जो रजनी कहती है। रजनी क्या कहती है? जो सच है सच। ए शनि मंगल, आज तुम दोनों सुबह सुबह ही शुरू हो गए। लेकिन भैया इस बार तो हमने निशाना बिल्कुल सही मारा है। अच्छा पद्मा है रजनी, मैं देखती हूँ। आँखों में इंतजार है, सचमुच कोई मिलने को बेकरार है। बाबा रे, धक धक धक, बड़ी तेज रफ्तार है। हाँ भैया, प्यार का बुखार है। कौन है, कैसी है, किस कॉलेज में पढ़ती है? ए, चला जाने दे मुझे। भैया रहती कहाँ है, नाम क्या है? तुम्हें नाम से क्या लेना, और तुम्हें बताने में एतराज क्या है? तो बता दूं, छोटी वाली का या बड़ी वाली का? बाबा रे, तो दो है। एक का नाम है फूलों की रानी, और दूसरी का नाम है बारों की मलिका। चंगा है ना? फैंटास्टिक। अच्छा है ना? सुपर। तो फिर खेलो। अरे अभी तक तुम यहीं हो, नीचे चाय ठंडी हो रही है तुम्हारी। मामा नहीं, माँ चाय नहीं, माँ दरअसल मैं जा रहा हूँ, मेरा कोई इंतजार कर रहा है। अरे नहीं माँ, इंतजार कर रही है। हाँ माँ, भैया किसी बाहरों की मलिका से मिले। भैया अपनी फूलों की रानी को हमारी नमस्ते कहना। और मेरा प्यार भी। कुछ हुआ? जरूर। बाय माँ। बाय बाय। चमगा दे। क्यों भाई, किसी पार्टी वार्टी में जा रहे हो क्या? जी वो जी हम जा वो आपने हेडफिल्म सोसाइटी की मीटिंग है ना, वहां जा रहा हूं। पहले मीटिंग है, उसके बाद में पार्टी है, 10 बजे तक वापस आ जाऊंगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हेलो शैला, लगता है तुम बहुत देर से इंतजार कर रही हो। तुम ठीक 4:30 बजे आ गई थी। बहुत नाराज हो क्या? मैं होना ही चाहिए, गलती जो मेरी, लीजिए मैं कान पकड़कर माफी मांगता। बात बदलना खूब जानते हो। आज बात क्या, आज तो हम नाम ही बदल चुके हैं। नहीं मेरा मतलब तुम्हारा, जानती हो क्या नाम रखा है? फूलों की रानी। तुम नाम लेते रह जाओगे और भैया उस फूल वाले से मेरी शादी कर देंगे। कौन कौन फूल? अरे वो सुरेंद्र। हाँ आज वो फिर फूलों का गुलदस्ता लेकर आया था। देखो मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, उसे एक आइडिया दो। ये फूलों के गुलदस्ते से कुछ नहीं होने का। तुम उसे कहो कि मुझे गोभी के फूल बहुत पसंद है। उसे क्या हुआ कि हफ्ते दो हफ्ते की सब्जी का। मजाक मत समझो दीपक, भैया मेरी शादी के बारे में बहुत सीरियस है। और फिर कौन भाई अपनी बहन को ज्यादा देर कुंवारी रख सकता है, मैं भी आखिर कब तक डालूंगी। देखो चल, मैं अपनी बीवी को अपनी कमाई के बलबूते पर रखना चाहता हूँ, और जब तक मेरा काम जम नहीं जाता तब तक हमें रुकना पड़ेगा। नेड भी चाहते हैं, और एक बड़े भाई के होने की हैसियत से मेरा भी यही फर्ज है कि रजनी और पद्मा की शादी पहले हो। ये तो और 2-3 साल का प्रोग्राम है। हाँ, और 2-3 साल तक तो तुम मेरा इंतजार कर ही सकती हो, नहीं क्योंकि उस भोंदू से शादी करने से रहे। क्यों, तुम्हें वो भोंदू नजर आता है? तुम्हें पसंद है? पूरा भी नहीं। हाँ। पढ़ा लिखा, अच्छी नौकरी, सीधा साधा, शरीफ, और देखने में भी काफी खूबसूरत है। तो फिर देर किस बात की है, जाकर शादी कर लो ना। वो ही सोच रही हूँ, 2-3 साल और कौन इंतजार करेगा, और शादी तो करनी ही पड़ेगी, क्यों ना सुरेंद्र से ही। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, वैसे भी उससे अच्छा लगा तुम्हें और कोई मिलने का नहीं, समझे? जाकर अभी उसके गले में हाथ डाल दो और मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। गुड मॉर्निंग शैला जी। गुड मॉर्निंग।
ये आपके लिए। क्यों पैसे जाया करते हैं आप? पैसे जाया करने की बात नहीं है, ये तो यू नो। ऊपर मेज पर रख दीजिए। बाय बाय। भाई आ रहा हूं। हेलो भाई साहब। शैला तो अभी अभी नीचे गई, तुम्हें मिली नहीं? जी मिली। और ये गुलदस्ता मेज पर रखने को कहकर चली गई। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। थैंक यू सर। डैडी कैसे हैं? एवरीवन इज फाइन सर। गुड, बैठो। माताजी से बात की? दरअसल बात यह है भाई साहब कि अपनी शादी की बात अपने मुंह से करना समझा। एक्चुअली मैं आप तीनों को अगले इतवार खाने पर बुलाने आया। खाने के लिए माजी से बात कर ली? नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। नहीं की है तो कर लेगा, उसमें क्या है। चाय लोगे? जी नहीं शुक्रिया। तो अगले संडे मैं आप सबका अपने घर पर इंतजार करूंगा। हाँ हम जरूर आएंगे। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। तुम्हारे डैडी मम्मी को हमारा नमस्ते कहना। राइट सर। गुड डे सर। गुड डे। आप क्यों सुरिंदर से शादी की बात चला रहे? इसलिए कि दीपक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और शैला को सुरिंदर पसंद नहीं? वो आने वाला था इसलिए शैला सुबह सब घर से चली गई। वो बेवकूफ है। मैं आपसे पूछती हूँ कि शादी आपको करनी है या शैला को? मेरा, मैं उसका बड़ा भाई हूँ भाई, उसका भला सोचना मेरा फर्ज है। एक बात सुन लो, अव्वल तो दीपक शैला से शादी करेगा नहीं, और अगर ये आप कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि वो बहुत बड़े अमीर बाप का बेटा है और ऐसे बेटे अक्सर लापरवाह गैर जिम्मेदार होते हैं, खास तौर से लड़कियों के मामले में। आज बलवान जी आप तैयार हैं? मैं रेडी हूं सर। जैसे बुलाएगा दोनों हाथों से पकड़ूंगा और बोलूंगा ये सारा वेट। ये लो हाथ में, ये सारा कमाल सुप्रीम बुल पावर टोनिक का है। गुड। हंसना जोर से। अब उस्ताद तेरा बैल तैयार है? यस सर, बैल एकदम ट्रेंड है, सीधे पहलवान के पास से जाएगा। शाबाश, जरा सिंग मार के। हाँ साहब। गुड। अडानी आर यू रेडी फॉर ट्रेक? चलो दोस्त। अरे भाड़ अब यार अरे भाड़ 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 अरे भाड़
अरे भाईजान, अरे भाईजान, कोई तवाल तो फेंको, बाहर कैसे आऊं? तवाल तवाल फेंको। वाह भैया वाह, क्या पोज दिया है। तुम्हें तो फिल्म इंडस्ट्री में फाइट मास्टर होना चाहिए था। ये देखो, मैं देख चुका हूँ। माँ, कल भैया ने जुहू बीच पर सैकड़ों लोगों के सामने एक बैल से लड़ाई की। क्या? नहीं माँ, ये झूठ बोल रही है। मैं तो अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहा था। चुप। वो तो बैल ने अनवर पर हमला कर दिया। हाय राम, उसे चोट तो नहीं आई? नहीं, बैल को कोई चोट नहीं आई। शैतान, मैं बैल का नहीं अनवर का पूछ रही हूँ। माँ, अनवर भैया डर के मारे समुद्र में कूद पड़े। बोल, तू ऐसी फिल्में क्यों बनाता है जिसमें जान का खतरा हो? जानवर का क्या भरोसा, कहीं तुझ पर हमला कर देता तो मैं भी समंदर में कूद जाता। सुनिए जी, अपने पास काम की कोई कमी है क्या? आप दीपक को अपने साथ क्यों नहीं रखते? मेरे ख्याल में
परिवार को एक ही बिजनेस पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। दीपक का अपना बिजनेस है, ये बहुत अच्छा है, और फिर ये अखबार वाले बढ़ा चढ़ा के बातें लिखते हैं। कौन है ये रिपोर्टर? शैला ठाकुर। लो, एक तो रिपोर्टर, वो भी लड़की, दो की चार लिखी होंगी उसने। जनरे आप बिल्कुल सही फरमाते हैं, बेहतर ये होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। क्या राय है? बाय 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 बाय। कहने को तो मैं सौतेली हूँ, लेकिन जिस तरह आपको उसकी कोई फिक्र नहीं, उससे तो लगता है मैं सौतेली माँ नहीं, आप सौतेले बाप हो। और फिर क्या कहा डैडी ने? कहना क्या था, बोले एक तो प्रेस रिपोर्टर, ऊपर से लड़की, दो की चार लगाएगी। झूठ बोल रहे हो। डैडी आप यहाँ कैसे? ये तुमने स्विमिंग कब से शुरू कर दी? ना तो काफी दिन हो गए। अच्छा, अच्छी रौनक है यहाँ? अच्छी रौनक तो रोजा थे यहाँ दिन में कभी कभी। अकेले हो या कोई साथ है? अकेला। स्विमिंग में साथी की क्या जरूरत है, मगर जिंदगी में तो एक आध साथी होना ही चाहिए, सुख दुख बांटने के लिए। मैं किसी से मिलने के लिए आया था। अच्छा, लगता है वो आया नहीं। नहीं आया? खैर मैं फोन कर लूंगा। डैडी एक कप चाय? नहीं नहीं, एक कप। अरे वो शैलम हम सब कहाँ हैं? वो तो बाहर है साहब। बाहर कहाँ? अपना स्कूटर स्टार्ट करके गई। क्या, चली गई? डैडी आपने मुझे बुलाया? हाँ बैठो। फिल्में बनाने वालों के लिए झूठ बोलना जरूरी है क्या? जी मैं समझा नहीं। स्विमिंग पूल पे तुम अकेले जाते हो ना? जी हाँ। फिर झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे साथ एक लड़की थी, कौन थी वो? वो शैला, शैला ठाकुर, प्रेस रिपोर्टर है। सिर्फ प्रेस रिपोर्टर? जी नहीं, मेरी दोस्त भी है। कब से? यही कोई तीन चार साल से। स्विमिंग पूल पे भी तीन चार साल से जा रहे हो? जी। इसका मतलब है जहां से शुरू हुए थे अभी तक वहीं हो, यानी स्विमिंग पूल पर। कल उसको यहां ले आना। मुझे तुम्हारी पसंद पसंद है। ओह डैडी, थैंक यू वेरी मच डैडी। कब शादी करना चाहते हो? डैडी शादी तो पहले पद्मा और रजनी की होगी, उसके बाद मैं करूंगा। जीते रहो बेटा, तुमने मेरे दिल का बहुत हल्का कर दिया। बिजनेस तो तुम जानते हो बेटा, ऊपर नीचे होता रहता है, और फिर जिंदगी भी कब तक है कौन जानता है। ऐसा क्यों सोचते हैं डैडी? सोचना पड़ता है बेटे, मैंने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। मां बाप की मौत के बाद जब मेरी इकलौती बहन तुम्हारी बुआ की जिम्मेदारी मेरे सर पे आ पड़ी, हम लोग बहुत गरीब थे। हमने उसकी शादी की बहुत कोशिश की, बड़े रिश्ते तय किए, लेकिन हर रिश्ता दहेज की वजह से टूटता गया। मेरी मजबूरियां बढ़ती गईं, रिश्ते टूटते गए, और लक्ष्मी की उम्र 3 साल में जैसे 30 साल की हो गई हो। फिर एक दिन ये सोच करके शायद वो मुझ पे बोझ है, उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या? बेटा मुझे डर है जैसा जैसा मेरी बहन के साथ हुआ है, कहीं तुम्हारी बहनों के साथ ना हो। डैडी कैसी बातें कर रहे हैं, किस चीज की कमी है हमारे यहां? अगर आप कहें ना तो कल ही उन दोनों की शादी पक्की कर दूं। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है बेटा, मैं जानता हूं तुम सब संभाल लोगे, सब संभाल लोगे तुम। ना बाबा ना, बहुत जिद्दी लड़की, कितना कहा कि दीपक 3 दिन से रोज आ रहा है, एक बार तो मिल लो, मगर नहीं। नहीं मानते? नहीं। तो ठीक है भाभी, मैं भी उससे बिना मिले नहीं जाऊंगा। आप देखिए शला, जिस आदमी में सच बोलने की हिम्मत ना हो वो क्या जिंदगी भर साथ निभाएगा? लेकिन सुनो तो, क्या मैं इतनी गई गुस्सी हूँ कि अपने डैडी से मिला था, तुम्हें शर्म आती है? अरे मिलाने का मौका ही कब दिया? मौका दिया नहीं जाता, मौका छीनना पड़ता है, और छीनने के लिए भी हिम्मत, हौसला और दिलेरी चाहिए, जो तुम में नहीं है।
देखो अगर तुम हौसले की बात करती हो तो मैं तुम्हारे लिए जान तक दे सकता। जान देने के लिए भी हिम्मत चाहिए। तो ठीक है, सुरंग के पास वाली पहाड़ी के ऊपर से मैं कूदने जा रहा हूं और नीचे तुम्हें मेरी लाश मिलेगी, समझी? बाय बाय। तो गुस्से में यूं ही कह दिया था और तुमने सचमुच जान दे दी। अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकती हूं?